जन्मदिन पर इससे बेहतर तोहफा क्या मिल सकता है तुम्हें? I know अभय, तुम यहाँ आए मेरी मदद करने के लिए, यही मेरा सबसे बड़ा तोहफा है। Thanks। चलो, चलते हैं। ईशा, क्या हो गया? तबीयत ठीक है? ईशा, एक काम करिए, हम लोग बॉम्बे के लिए निकल जाते हैं। अभी निकलेंगे तो रात से पहले पहुंचे। लेकिन अचानक तुम्हें क्या हो गया? कुसुम की टेंशन की वजह से कुछ खाया ही नहीं, थोड़ी वीकनेस हो गई है। अच्छा चलो, कुछ खा लेते। चलो। ध्यान से। जमाल दो। बैठो। How are you feeling? Okay. ईशा, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है ना, तो यहाँ इस डील के लिए कभी आने नहीं देता। नहीं अभय, ये डील मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी एंड आई एम सॉरी तुम्हें तकलीफ दी। शट अप ईशा, व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? ओके, दोस्ती की खातिर एक काम करोगे प्लीज? मैं अभी थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ, थोड़ा सोना चाहती हूँ। तुम प्लीज वापस बॉम्बे चले जाओ। कैसी बातें कर रही हो ईशा, तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं बॉम्बे कैसे जा सकता? प्लीज अभय। अच्छा एक काम करता, घर वालों को फोन करके बोल देता हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अभय, ईशा, जस्ट रिलैक्स, तुम्हें आराम की जरूरत है, मैं थोड़ी देर में। ओके, ठीक है। सो स्वीट, मैं जानती थी कि तुम नहीं जाओगे, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जाओगे। तुम यहाँ मेरे साथ रहोगे अभय, और जाओगे भी तो मेरे साथ। आज हमारे रिश्ते का नया जन्म होगा। तुम एक बेसहारा बीमार लड़की को छोड़ के थोड़ी ना जाओगे। आज सही मायने में मेरी जिंदगी से अंधेरा दूर होगा और ये मेरा सबसे स्पेशल बर्थडे होगा। अभय, तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक, तुम्हारा फेवरेट केक और मैं, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाय ईशा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों? तो बिल्कुल फ्रेश लग रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं 5-6 घंटे सो गई थी, इसलिए अब मैं बेटर फील कर रही। लेकिन मेरा बाहर जाने का, बैठो ना, मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैंने केक यहीं पर मंगवा लिया। देखो ना, तुम्हारा फेवरेट केक है पाइनएप्पल केक, तुम्हें अच्छा लगता है ना? और अब है तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक भी, और ये सारी कैंडल्स, मेरी डेकोरेशन कैसी लग रही है तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। अच्छा ईशा, ये बताओ कि तुम्हें जन्मदिन पे क्या तोहफा चाहिए? तुम ही तो मेरे जन्मदिन का तोहफा हो, और मुझे क्या चाहिए अभय? क्या दे सकते हो तुम मुझे? ईशा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। Really? लेकिन वो बाहर है। एक। Okay. Happy birthday to you, happy birthday.
birthday, beta. Thank you. What a pleasant surprise. Happy birthday. Thank you. तुमने क्या सोचा? हम तुम्हें जन्मदिन अकेले ही मनाने देंगे? Happy birthday, ईशा. निकिता, ईशा को देख के तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो हमें देख के ज्यादा खुश नहीं हुई है. ओहो भाभी, आप वो खुश कैसे हो सकती है? उसका सारा प्लान तो अभय कुसुम ने चौपट कर दिया. तुम ऐसी हालत में नहीं थी कि तुम बॉम्बे वापस चली जाओ, और तुम्हें इतना उदास देखकर मैंने सोचा कि घर वालों को यहीं बुला लो. हाउ स्वीट. चलो ईशा, जल्दी से केक काटो. ईशा, मुझे लगता है तुम बहुत कमजोर हो गई हो. जरा जोर से कोशिश करो वरना केक कभी नहीं कटेगी. अब देखो. Happy birthday to you. Happy birthday. चलो मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देती हूँ. मैं भी आई. भाभी, ये भी कोई हैप्पी बर्थडे है? सब कुछ तो कितना सैड है. हेलो, अच्छा ये नीचे डिस्को खुला है. ओके, कुड यू प्लीज बुक इट फॉर 15 पीपल. थैंक यू वेरी मच. कोई धासु बहाना सोचना चाहिए था ईशा. ये क्या चक्कर का घिसा बिता बहाना सोच लिया? जैसे ही अभय को ये बात पता चली उसने हम सबको ही यहाँ इनवाइट कर दिया. ईशा, तुम बहुत कमजोर लग रही हो आज. गोली लाऊं? मैं अभी तक हारी नहीं. ईशा, कुसुम के रहते अभय तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा. अगर मिलेगा तो सिर्फ दुख और तन्हाई. इस बात को तुम अच्छी तरह से जान लो और मान लो. हाँ, और अगर कहीं अभय हाथ से निकल जाए ना तो हमारे पतियों पे नजर मत डालना प्लीज. कह देती हूँ. चुप करो. सरप्राइज ये है कि अब ये पार्टी नीचे डिस्को में शिफ्ट हो रही है. चलो. वाओ, लेट्स गो. चलो डिस्को में. तुम सब लोग जाओ, हम बड़ों का काम नहीं है. नहीं डैडी, आपको आना ही पड़ेगा. मम्मी जी कहिए ना. दादाजी आप भी चलिए ना. प्लीज प्लीज मम्मी जी. ईशा, बात ऐसी कोई नहीं है. उनको सुबह में ऑफिस में काम है तो हमें बॉम्बे पहुंचना पड़ेगा. तुम सब जाके एंजॉय करो. ओके, लेट्स गो. चलो. खुश लग रहे हैं ना? तुम तो खुश हो. हाँ मैं खुश हूँ कुसुम, सच कहूँ ईशा. अगर आज मैं यहाँ नहीं आती ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती. किसे पता अगले जन्मदिन पर कौन कहा. हाँ, कौन कहाँ होगा ये मैं अच्छी तरह से जानती. तुम यही हो और मैं रहूंगी अभय के साथ अमेरिका. वाओ, इतना तुमने देखा? हमारा पुराना अभय वापस आ गया है. आपने कुछ ज्यादा पी लिया? कितना क्या कर रही? देखो ना, वो तो दोस्त के साथ डांस कर रहा है. मैं सोच रही हूँ ईशा से कुसुम तो संभल ही जाती. इतनी सारी कलियां आ जाएगी अभय की लाइफ में तो ईशा को तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. भाभी, आपको बहुत शौक है ना दूसरों की बात करने का, दूसरों का ध्यान रखने का. जरा नजर घुमा कर तो देखिए कपिल भाई साहब क्या गुल खिला रहे हैं. शादी को इतने साल हो गए, कभी मेरे साथ इस तरह से हंस हंस के बातें नहीं हुई. और इसके साथ इतना हंस हंस के बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरुंधति रिलैक्स, वो सिर्फ टाइम पूछ रही थी. क्यों, आपने फीका लेके रखा है? पूरे इंडिया के फिरंगी को टाइम आप बताएंगे? क्यों पूछ रही थी आपसे टाइम? वो शी, व्हाट इज शी सेइंग? शी सेइंग यू आर रियली गुड लुकिंग.
गुड लुकिंग ये ओ माय गॉड ये तो भूतनी है भूतनी ऐसा लगता है जैसे ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया और नहला दिया और बीच से एक्सक्यूज मी आई एम इनवाइट डू यू हैव एनी टॉपिक इसे देखो दूसरों के पतियों के पीछे पड़ी रहती और आप क्यों सीरियस हो गए अब हंसिए मुझे देख के भी हंसिए ना बहुत मुश्किल काम मैं हम दोनों के लिए कुछ पीने के लिए लेके आती हूँ मेरे साथ मेरे परिवार के साथ फरेब किया तुमने फरेब भी हो तुम मैं तुम्हारा पर्दा पास करते ही रहूंगा तुम क्या बकवास कर रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है शक तुमको पहले से ही था लेकिन सबूत नहीं थे मेरे पास अब मेरे पास सबूत हैं किस सबूत की बात कर रहे पहचानती हूँ बैंगलोर का वो होटल याद है तुम्हें याद है ना और ये तुम्हारी डायरी है ना और ये लेटर और ये डायरी एक ही आदमी ने लिखी कुछ समझ में आया ईशा लोनावला के सारे होटल्स में चेक किया उस दिन तुम लोनावला में थी नहीं मैं तो उस... क्योंकि तुम बैंगलोर में अभय का इंतजार कर रही थी मैं तुम्हें अभय की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा ईशा लाली प्लीज तुम्हारा पर्दाफाश करके ही रहूंगा प्लीज ललित लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज ध्यान से सुनिए एक बहुत ही जरूरी बात सुनानी है आप सब Excuse me. Hey folks, Miss Ishaburi has requested for a song. MH04AC 9345. इसी गाड़ी से अभय ने सिद्धार्थ को मारा था ना? तेरी भी चुप, मेरी भी चुप. इसी में हमारी भलाई है प्लीज मेरे लिए ये गाना भी बजा देना खलास लेडीज एंड जेंटलमैन आज जिसका जन्मदिन मनाने हम यहाँ आए हैं वो सिर्फ एक का प्यारी दोस्त ही नहीं साथ साथ एक नेक इंसान भी है अब हम ईशा का रिक्वेस्ट किया हुआ गाना बजाने जा रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू मिसेस ईशा पुरी बेवकूफ समझा था आपने मुझे मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली आपने तो बड़ी आसानी से मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया मुझे बहुत बुरा लगा आपको क्या लगा था आप इतनी आसानी से मेरा भेद खोल देंगे so sad. लेकिन हिम्मत मत हारना अगली बार अच्छी तरह से ट्राई करना ओके ऑल द बेस्ट लाली चाचू मेरी आंखों के सामने दूसरे लड़कियों के साथ डांस कर रहे हैं एक मिनट कहाँ जा रही घर जा रही
मेरा रास्ता मत रोको, मुझे घर जाने दो। लेकिन अचानक क्या हुआ? अब चलो भी ना। अबे मैं थक गई हूँ, मैं घर जा रही हूँ। ओह फक कसम, अब चलो ना। चलूं? कहाँ चलूं? वहाँ उस पार्टी में जहाँ मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ डांस करते देखूं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, आई एम सॉरी। वो क्या है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि मैं क्या कह रही हूँ। अब मैं जाऊँ? देखो कसम, तुम्हारे साथ डांस करने में कितना मजा आता। क्या कहा तुमने? भाई तुम्हारे साथ डांस करने में कितना मजा आ रहा था, अब चलो ना प्लीज। आई कांट बिलीव दिस, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब मैं घर जा रही हूँ, गुड बाय। अब ठीक है, मैं भी चलता। ड्राइवर घर चल। तुम बताओ। ड्राइवर ठीक है, तुम्हें घर जाना, मैं भी चलता। मैं कहाँ चली गई? अभय कुछ नहीं बोली। ईशा तुम्हारा पंछी तो उड़ गया। Shut up! कुसुम अभय को लेकर चली गई। Very sad. लेकिन अगर तुम लोगों को पता है तो बता दो, बकवास मत करो। ईशा कुसुम ने मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन था तुम्हें कुछ बताया? नहीं, मुझे भी नहीं बोला। Poor thing. अभय की गाड़ी भी नहीं है, कहीं वो दोनों एक ही गाड़ी में तो नहीं गए? Oh no. अभय तो नशे में था, मुझे उन्हें रोकना होगा।